नमस्कार, मैं एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित त्रिवेदी। कस्बा कुरावली में पुलिस व स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाते हुए युवकों को गिरफ्तार किया। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। थाना कुरावली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में पुलिस व स्वाट टीम ने दो आईपीएल सट्टा गिरोह के सदस्यों अमित कुमार और राहुल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं भीड़ का लाभ उठाकर गिरोह के 5 सदस्य फरार हो गए। पकड़े गए अभियुक्तों ने पुलिस को आईपीएल में सट्टा खेलने और खिलवाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों से 27,300 रुपये नकद, 2 मोबाइल फोन, 1 एटीएम कार्ड, 2 डेबिट कार्ड बरामद किए। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। टीम ने एक सट्टा आईपीएल सट्टा लगाने वालों को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है? ये कुछ दिनों से मेरे पास सूचना आ रही थी कुरावली में आईपीएल सट्टा लगाया जा रहा है। इस पर हमने स्वाट टीम और थाना कुरावली टीम को लगाया। उस टीम ने ईयरमार्क पूरी जानकारी करते हुए जीरो डाउन किया और उसके आधार पर कल अच्छी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 5 अभियुक्त भीड़भाड़ का लाभ लेकर फरार हो जाने में सफल रहे थे। इनके पास कुछ कैश मिला हुआ है, इनके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है। इनके ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू भी हैं और कैश के थ्रू भी हैं, तो ये हमको अच्छी सफलता मिली है। इसको और इनके पूरा ग्रुप को हम जानकारी करके और इसको और बड़े रूप में इन पे हम कार्रवाई करेंगे। सर, इनके बैकग्राउंड की बात की जाए तो किस स्थिति का हैंडल करते हैं ये दोनों? जैसे जो बिलाल मेरे पास अभी कब्जे में है, एक की छोटी सी दुकान है, जनरल स्टोर की दुकान है, दूसरा एक मोबाइल शॉप में काम करता है। लेकिन इनका ये बिल्कुल, एक तो उसमें 12 लाख रुपया पिछले कई सालों में हार चुका है आईपीएल सट्टे में। जैसे आईपीएल शुरू होता है लोग इस काम में लग जाते हैं और इस काम में उनके साथ ही और भी सारे लोग हैं। इन सबकी हम तलाश कर रहे हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।